नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस को जोर का झटका लगा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे कृपा शंकर सिंह ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पार्टी के राज्य अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कृपा शंकर सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कृपा शंकर सिंह का बीजेपी में आना इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कुछ ही समय में भिन मुंबई नगर पालिका यानी BMC चुनाव होने हैं। कुछ सालों से उत्तर भारतीय ही बीजेपी का मुख्य वोट बैंक रहे हैं। ऐसे में कृपा शंकर सिंह पार्टी के वोटरों में इजाफा कर सकते हैं। पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह ने 10 सितंबर 2019 को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का समर्थन किया था। तभी से अनुमान जताए जा रहे थे कि वो बीजेपी के खेमे में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कृपा शंकर सिंह ने बीजेपी में शामिल होने से पहले कहा था कि मैंने अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। इसे हटाए जाने की प्रक्रिया का विरोध किया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस को इसे हटाने का विरोध नहीं करना चाहिए था। मैंने पार्टी के रुख को लेकर सवाल किए लेकिन जवाब नहीं मिला। मैं बिना किसी शर्त के बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ। साल 1988 में उन्हें प्रतिभा पाटिल ने मुंबई कांग्रेस का सचिव बनाया। 1994 में वो MLC बने। 1999 में सांता क्रूज से विधायक बने और फिर विलास राव देशमुख सरकार में गृह मंत्री बने। साल 2007 और साल 2011 में वो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष बने। हालांकि साल 2014 के विधानसभा चुनाव में मिली हार से उनका सफर थम गया। विधानसभा चुनाव में हार के बाद वो कांग्रेस में किनारे कर दिए गए थे। 3 बार मुंबई में विधायक रह चुके पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का भी आरोप लगा और साल 2018 में उनको कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।